your YouTube channel Study with Sonal, and thank you for watching my video, and you are supporting me, and keep supporting, and you know that here I am with all the education purpose. Yahan pe sara 12th maths karaya ja raha hai. So if you want to do 12th maths without any tuition, you can subscribe my channel and keep watching the videos. So we have already done the matrices chapter and humne determinants bhi start kar diya. We have already done 4.2 exercise, that is very very important. And yahan abhi 4.3 mein start kar rahi hu, that is also the application of determinant. Before that humko ek formula karna hai, aur wo kya hai? See, we have already studied it. Kya? Suppose I have a triangle and the three vertices are there. First vertex is x1, y1. Second is x2, y2. Third is x3, y3. So the three vertices are there. Okay. अभी मुझे area of triangle find out करना है. What is the area of triangle when three vertices are there? There is a formula. What is that? Half. ये already हो चुका है, उसका अब determinant form में हमें करना है. Determinant की help से. क्या करना है आपको? x1, x2, x3. That is so easy ना. ये exercise बहुत ज़्यादा easy है. x1, x2, x3. Then y1, y2, y3. And then 1, 1, 1. ठीक है? This is the form and obviously area जो भी आएगा, it cannot be negative. It has to be positive. ठीक है? तो ये हमारा formula है. That is not question number 1. That is formula. अब हम question कर सकते हैं. Before going to that, ये तो हो गया area of triangle. ठीक है ना? Or I should write it for the marker. This is area of triangle. अभी मुझे करना है when three points are collinear, तो क्या होता है? When three vertices or points are collinear, उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है? ज़ीरो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उस केस में क्या होता है? ज़ीरो. बिकॉज खुद सोचिए आप, अगर कोई तीन लाइनों में है, सॉरी अगर थ्री पॉइंट्स एक लाइन में हैं, तो क्या ट्राइंगल बनेगा? नो, ट्राइंगल इज़ नॉट देयर. तो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया कहाँ से बनेगा? एरिया भी क्या हो जाता है? ज़ीरो इस केस में. तो हम ये ध्यान रखेंगे, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है. अगर एरिया ज़ीरो है तो पॉइंट्स को लीनियर है, पॉइंट्स को लीनियर है तो एरिया ज़ीरो है. होता करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आर एक्सरसाइज 4.3 एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. सो द फर्स्ट पार्ट इज इट 106043. ये है. सो बस पुट करना, आपको फॉर्मूला पहले मैं लिख ली हूँ अगेन. x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ठीक है. ओके, सो दिस इज x1, x2, x3, 1, 6, 4, 0, 0, 3, 1, 1, 1. करेक्ट. अभी यू कैन एक्सपैंड इट इन अलॉन्ग एनी रो कॉलम, बट व्हाट आई एम डूइंग, ईजिएस्ट वे में करते हैं. कॉलम 2 में सबसे ज़्यादा जीरो है. एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं. ये तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है. माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3, ये क्या, ये क्या? 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, है ना? तो कितना आ जाएगा? अच्छा, अभी डिटर्मिनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मॉड्यूलस वाला भी कोई सीन नहीं है. जो भी आएगा बस उसको पॉजिटिव रखना है, इतना हमें ध्यान रखना है. दिस इज -5 -3, कितना आ जाएगा? 15. सो येस, आंसर इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसलिए बिकॉज ये एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा. ठीक है. सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रही हूँ, बिकॉज दोज आर ईजी. एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट, यू कैन कॉमेंट मी, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई रिव्यू, कॉमेंट, सपोर्ट इट यार, सपोर्ट करो थोड़ा. ठीक है. चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन? वी हैव थ्री वर्टिसेस ए बी सी एंड प्रूव दैट दे आर कोलिनियर. हमको प्रूव करना है कि कोलिनियर हैं. मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा? ज़ीरो.
ठीक है। तो पहला वर्टेक्स है ए कॉमा बी प्लस सी, देन नाउ सेकेंड वन बी कॉमा सी प्लस ए, नाउ थर्ड वन इज सी कॉमा ए प्लस बी, दे आर कोलिनियर। सो हमको पता है अगर कोलिनियर है, हम एरिया तो फाइंड आउट कर ही लेते हैं ना, देन वी विल डिसाइड। अभी आई एम नॉट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, सेविंग आर टाइम, ठीक है, सेविंग योर टाइम, योर टाइम इज प्रीशियस। ओके, सो ए बी सी, देन बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, देन वन वन वन, ठीक है, ये इतना हो गया। अभी सी वन को चेंज कर रही हूँ सी वन प्लस सी टू, वाई आई एम डूइंग दैट, उससे होगा क्या अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँ ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें ऐड करूँ कितना मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें ऐड करूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड हियर ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो हियर कॉलम वन को मैंने चेंज किया सी वन प्लस सी टू, एंड नाउ वी कैन टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, ऐसा करने से होगा कि अगर मैं जैसे ही इसको कॉमन ले लेती हूँ वन 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 आ जाएगा, और वन 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 आने के बाद तो आपको पता ही है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम सी वन 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 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, वन वन वन, ठीक है। अगर ऐसा है व्हेन टू कॉलम्स और रोज आर सेम, तो आंसर सेम होता है, तो आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। सो अगर एरिया ज़ीरो है, देयर फोर वी कैन से पॉइंट्स आर को लीनियर, ठीक है। हमको एरिया ज़ीरो प्रूफ करना था, जो हम कर चुके हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही, बट ये ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ये आपके कुछ टू और वन मार्क के ही आते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फाइन वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फोर यूनिट्स, दिस टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू, एरिया फोर दिया हमको, एंड वट इज इज आर, वट इज इज भी हमको दिया है के कॉमा ज़ीरो, फोर कॉमा ज़ीरो, एंड ज़ीरो कॉमा टू, ये तीन वर्टिसेस हैं। हमें एरिया देख एरिया भी दिया है, तो हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सी कैसे करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रही, वैल्यूज आ रही हूँ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, देन वाई वन वाई टू वाई थ्री, देन वन वन वन, ठीक है। देन एरिया इज़ फोर यूनिट्स, आई एम प्लेसिंग इट एंड जस्ट ओपन दैट एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, किसी भी अलॉन्ग कर सकते हो तुम एक्सपैंड, आई एम डूइंग इट अलॉन्ग एक्सपैंडिंग अलॉन्ग सी टू, ओके। तो कर देते हैं माइनस प्लस माइनस टू के माइनस फोर, कितना आ जाएगा, माई टू से टू कैंसिल आउट ही कर देते हैं ना, तो वन बचा, माइनस वन माइनस के माइनस माइनस प्लस फोर, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आती हैं, एक्चुअली इसको मॉडुलस कंसिडर किया जा सकता है जब भी, सुनो एक बात है, ये इलेवेंथ में बताई होगी आपको, जो आपके टीचर्स लोग होंगे उन्होंने, जब भी राइट साइड में हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो दो वैल्यूज़ आएंगी, बिकॉज एरिया कैन बी माइनस फोर, एरिया कैन बी प्लस फोर, बट द आंसर इज़ फोर। तो हम दो वैल्यूज इक्वेट करेंगे, एक बार हम करेंगे फोर के इक्वल केस वन, एक बार हम करेंगे माइनस के प्लस फोर इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो यहाँ से के आ जाता है, यहाँ से के कितना आ रहा है, ज़ीरो, फोर माइनस फोर ज़ीरो, एंड फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग कितना मिलेगा मुझे, वेट दिस इज़ माइनस फोर ना, दोनों को मैंने सेम रख दिया है ना, माइनस फोर दिस इज़ माइनस एट, इट मीन्स इट इज़ एट। सो दो आंसर्स आ गए हैं, दो ही आंसर आने चाहिए के हमारे पास,
तो याद रखना जब भी राइट हैंड साइड निकालना है, ये क्या थी, राइट हैंड साइड, जब भी राइट हैंड साइड में कुछ निकालना है तो दो वैल्यूज आएंगी प्लस एंड माइनस, एंड यू नो दैट सेकेंड पार्ट होमवर्क के लिए है, सो जितनी जल्दी हो सके कॉमेंट मी एंड टेल मी द आंसर. यस, इससे मुझे पता चलेगा यू आर डूइंग इट नो एंड मोटिवेटिंग. हाँ, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, है ना. ओके, लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. यू नो दैट लाइन अगर मैं लेती हूँ 3 पॉइंट्स है मेरे पास, 3 पॉइंट्स नहीं है मेरे पास, बट एक लाइन है. लाइन का एरिया तो ज़ीरो ही होगा ना यार, है ना. और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो एरिया ज़ीरो है. व्हाट आई एम डूइंग नाउ, पुटिंग द वैल्यूज 1, 3, x. सो वन ये पहला वैल्यूज का रखा, देन 2, 6, y एंड 1, 1, 1 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा x, y में. व्हाट आई एम डूइंग, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, नो, किसी के भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है. तो कर रहे हैं 1, ये गया ये गया, 6 - y एंड -2, दिस गॉन, 3 - x, देन +1, ये गया 3y - 6x इक्वल्स टू 0, करेक्ट. 2 आ जाएगा, 0 होगा. अभी आंसर कितना, 6 - y -3, 2 = 6, -, +2x, +3y - 6x is equal to 0. Then, 3y - y, 2y, 2y, 6 is 6 gya, that is 2y - x is equal to, am I doing it correct or not, 2y - 4x actually. 2y - 4x is equal to 0. यहाँ से मेरा आ रहा है 4x is equal to 2y or I can divide 2. So y is equal to 2x. And guys, you can, अगर कोई इसको y को उधर ले रहा है वो भी सही है, no issue. So that is the equation. Equation का answer में numbers नहीं आएंगे, x, y में answer आता है कि बच्चों को कभी कभी confusion हो जाता है, ठीक है. तो ध्यान से देखना, y is equal to 2x. This is your answer. Yay! ओके, नाउ यस, सेकेंड पार्ट आप लोग होमवर्क में करने वाले हैं, डिट्टो सेम है, जस्ट वैल्यूज चेंज हुआ है, ठीक है. इफ फाइंडिंग एनी डाउट्स एन आई एम हियर फॉर यू 24/7, ठीक है. यू कैन पिंग मी ऑन YouTube, दैट्स अ न्यू थिंग आई हैव इन्वेंटेड, सॉरी. ओके, एरिया इज 35 दिस टाइम, दिस यू ऑल्सो कैन डू. एरिया इज 35, वर्टिसेस आपको पता है, 3 वर्टिसेस हैं, 2, -6, 5, 4, k, 4. सो ये भी आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट. करना क्या है, एरिया हाफ, वैल्यूज पुट करना. सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, 2, 5k - 6, 4, 4, 1, 1, 1, ठीक है. जस्ट ओपन दैट एंड रिमेंबर 35 एंड रिमेंबर कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कर रही हूँ, ठीक है. 2, 4 - 4 +6, दिस गॉन 5 - k +1, 20 - 4k, ठीक है. तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ, दिस इज 0, 5 - k, एंड यहाँ पे 6, 5 = 36, ये. आफ्टर दैट के यू कैन फाइंड आउट, बट रिमेंबर यू हैव टू इक्वेट इट विद +35 एंड वन मोर विद -35, तो दो आपको आंसर मिलेंगे के, ठीक है. दो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे. ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, यू कैन डू दैट इन योर होमवर्क. एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सो टिल देन, यहाँ
मैं 4.3 पूरी यहाँ पे हो चुकी है हमारी. इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन सजेस्ट मी एनीथिंग यू आर लुकिंग फॉर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दोज वन यू टू माई चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि एजुकेशन है यार, एजुकेशन. आई एम गोइंग टू वेरी व्हाटएवर. ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू लाइक माई वीडियो एंड हिट द बेल आइकन. जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको मिल जाएगा. और आप साथ साथ पहले ही हम लोग 12th का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फॉर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो. ये फर्स्ट ईयर में आता है पूरा डिटर्मिनेंस. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे, शब्बा खैर, लव यू ऑल.